नमस्कार, मेरा नाम निपुण गांधी, मैं एक स्टूडेंट हूँ केसी लॉ कॉलेज का, और मेरे साथ विश्वेश्वर, हर्षदेव सिंह, राजवीर, आदित्य और इंटरमीडिएट सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं और मीडिया कर्मी, उन सबका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप यहाँ पर आए और हमारी बात सुने। मुझे शर्म आती है ये कहने में कि जिस लॉ कॉलेज में हम पढ़ते हैं, हमारे ग्रीवेंसेस कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को ही सॉल्व कर देने चाहिए थे। आज हमें मजबूर किया गया कि आज हम अपने ग्रीवेंसेस लेकर कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के नहीं बल्कि पूरे जम्मू वासियों के सामने हम रखें और हायर डिपार्टमेंट्स के सामने रखें। आज केसी लॉ कॉलेज ना जाने कितने सालों से रूल्स एंड रेगुलेशंस की वायलेशंस करते आया है, चाहे वो यूनिवर्सिटी स्टैट्यूट्स हों, चाहे वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स हों, चाहे वो सिविल सेक्रेटरीट के ऑर्डर्स हों। आज मैं कुछ मुद्दों पर बात करूंगा। मेरा पहला मुद्दा होगा फी स्ट्रक्चर। आप देखें, सिविल सेक्रेटरीट का ये ऑर्डर है जो बताता है कि LLB 3 और 5 ईयर्स की कोर्स की फीस 30,000 रुपया फिक्स की गई है सिविल सेक्रेटरीट हायर एजुकेशन के द्वारा। और मैं फिर आपको अपनी फी रिसीट दिखाता हूँ, जहाँ पर 39,210 रुपीज़ केसी लॉ कॉलेज स्टूडेंट से लेता है हर साल। जब हम आवाज़ उठाने के इस मुद्दे पे, प्रिंसिपल, हमारे ऑनरेबल प्रिंसिपल सर ने हमें कहा कि ये जितनी भी फीस है ये सारी की सारी फीस यूनिवर्सिटी को दी जाती है। फिर हमने ध्यान यूनिवर्सिटी ब्रोचर की तरफ दिया, जहाँ पर हमें पता लगा कि कुछ फीस तो दी गई हैं यहाँ पर जिसकी बढ़ोतरी करके फी रिसीट में लिखी गई हैं, जो 5 से 7 हज़ार का घोटाला करती हैं। 5 से 7 हज़ार का घोटाला शायद एक स्टूडेंट आपको छोटी अमाउंट लग रही होगी, पर जब 900 बच्चा जुड़ेगा तो ये लाखों का घोटाला हर साल केसी लॉ कॉलेज स्टूडेंट्स पे कर रहा है, स्टूडेंट्स के साथ कर रहा है। मेरा दूसरा मुद्दा है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स, आज जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनी थी तो मुझे गर्व के साथ कहता हूँ, सिर्फ वकीलों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं, एक लॉ स्टूडेंट्स के राइट को भी प्रोटेक्ट करने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनी थी। आज उन्हीं के रूल्स को वायलेट किया जा रहा है। रूल 11 में दिया गया है कि जो मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हर एक लॉ कॉलेज के पास होना चाहिए, उसकी वायलेशन, उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं केसी लॉ कॉलेज के। आज मुझे शर्म आती है अपने कॉलेज की खुद पिक्चर्स दिखाने में, जिस देश में एक जानवर को भी साफ पानी पीने का अधिकार है, वहाँ पर आप देखें कि केसी लॉ कॉलेज हमें किस कहाँ से क्या पानी पिला रहा है। देखिए, ये फंगस से भरा हुआ पानी केसी लॉ कॉलेज आज स्टूडेंट्स को दे रहा है। आज आप देखिए, जहाँ पर जिस देश में हर घर सैनिटेशन और साथ में ही हर घर एक टॉयलेट पहुंचाने की बात हो रही है इस देश में, वहां पर ऐसे टॉयलेट हमें दिए जा रहे हैं और बच्चों की सेफ्टी का तो कोई ध्यान ही नहीं है। ये देखिए, ये पावर सॉकेट है हमारे कॉलेज का, आखिर ये सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं केसी लॉ कॉलेज हमें। आप देखिए क्लासरूम की हालत, आज क्लासरूम की हालत मेरे को लगता है गवर्नमेंट स्कूलों से भी बदतर हालात है इस कॉलेज की, जबकि एक लॉ स्टूडेंट हर साल 40,000 रुपये 39,210 रुपीज़ केसी लॉ कॉलेज को प्रोवाइड कर रहा है। मेरा तीसरा मुद्दा है, आज ये वो कॉलेज है, जब हम इस कॉलेज में आए थे, जब इस कॉलेज को एक ट्रस्ट की लैंड दी गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, वो इस द्वारा दी थी कि जो हायर एक स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन मिले हम बच्चों को, पर केसी लॉ कॉलेज ने हर बार हमें निराश किया। आज हम जब सपने लेकर उस कॉलेज में गए तो हमें लगा कि एज अ प्रोफेशनल कोर्स हमें सिर्फ एक अकेडमिकली नहीं, एक प्रोफेशनली स्ट्रांग बना के, एक वकील बना के ये कॉलेज हमें भेजेगा, पर मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये वो कॉलेज है जहाँ पर एक कल्चरल एक्टिविटीज़ नहीं कराई जाती, ये वो कॉलेज है जहाँ पर प्लेग्राउंड से बच्चे को दिया जाता है, ये वो कॉलेज है जहाँ पर मूड कोर्ट की, जो मेन हमारा मूड कोर्ट होता है, उसकी एक्सरसाइजेस नहीं होती है, डिबेट एक्सरसाइज नहीं होती है। अकेडमिक एंड कल्चरल एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जीरो इन केसी लॉ कॉलेज, एंड वी हैव एवरी प्रूफ ऑफ इट। एंड केसी लॉ कॉलेज, एक फी रिसीट में आप देखें तो वहाँ लिखा होता है स्पोर्ट्स फीस, वहाँ स्पोर्ट्स फीस जो लिखा होता है, ये केसी लॉ कॉलेज की प्ले ग्राउंड के हालात हैं, ये प्ले ग्राउंड के हालात हैं केसी लॉ कॉलेज के, जहाँ पर जो स्पोर्ट्स फीस हमें ली जा रही है उसका ना हमें
स्पोर्ट्स की इक्विपमेंट्स मिले जा रहे हैं, ना स्पोर्ट्स की फीस ली जा रही है। और हमें हमें ये बात भी पता लगी है जम्मू यूनिवर्सिटी के कुछ ऑफिशियल्स के द्वारा कि केसी लॉ कॉलेज ने 2017 के बाद ना जाने कितने सालों की जो फीस थी, जो पेंडिंग स्पोर्ट्स फीस थी, वो नहीं दी है अभी तक। और आखिरकार ये इतना पैसा जो स्पोर्ट्स फीस का हर एक बच्चे से हर साल 900 रुपया जो ले रहे हैं, ये आखिरकार ये गया कहाँ पर? मेरी अपील है वाइस चांसलर साहब से, चांसलर जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं जो हमेशा स्टूडेंट्स के हितों के बारे में बात करते आए हैं, उनसे मेरी अपील है, डायरेक्टर प्राइवेट कॉलेजेस से मेरी अपील है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मेरी अपील है कि आप जल्दी से जल्दी इसका इंटरवीन करें इस मैटर में। और साथ ही में ये जजमेंट जो दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रोवाइड की गई, जिसमें लिखा गया है कि कंडक्ट सरप्राइज इंस्पेक्शन एट लॉ कॉलेजेस, शट डोज दैट लैक मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर, दिल्ली हाई कोर्ट डायरेक्ट्स टू बार काउंसिल ऑफ इंडिया। मेरी लास्ट में अपील कि हम जब इस कॉलेज में आए थे, हम एक अच्छा एजुकेशन स्टैंडर्ड चाहते हैं, हम एक अच्छे वकील बनना चाहते हैं। ये लड़ाई हमारी स्टैट्यूटरी राइट्स की है, ये वो राइट्स नहीं है जो हम कोई एक्स्ट्रा या अननेसेसरी कॉलेज वालों से डिमांड कर रहे हैं, ये वो राइट हैं जो सिविल सेक्रेटरी के ऑर्डर ने हमें दिए, ये वो राइट हैं जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के स्टैट्यूज ने हमें दिए, ये वो राइट हैं जो यूनिवर्सिटी के स्टैट्यूज ने हमें दिए। और जल्दी से जल्दी इसका और ये बात पता लगाएं कि आखिरकार इन लोगों को शेल्टर कौन कर रहा है, आज डिपार्टमेंट में कौन ऐसा बंदा है जो इन लोगों को शेल्टर कर रहा है, कौन ये वायलेशन से इनको बचा रहा है। धन्यवाद।